वीडियो देखने वाली सभी बहनों का इसलार क्रिएशन चैनल में स्वागत है। आज आपको ये नई डिजाइन का थालपोश बुनना सिखाएंगे। बहन, ये थालपोश हमने फार्म से बुना है। अगर आपके पास फार्म नहीं है तो आप उनसे भी इस डिजाइन को बुन सकती हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। इस थालपोश को बुनने के लिए फार्म की टू रील ऊन से बुन रही है। 100 ग्राम ऊन, क्रोशिया 1.2 mm। पहले लगाइए इस तरह से गांठ। गांठ लगाने के बाद बुनिए 3 चैन, 1, 2, 3। अब जोड़ना है फर्स्ट वाली चैन से, यहां से इस तरह से जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद 3 चैन बुनिए, 1, 2, 3। फंदा लेकर के इस छेद में हमें डबल क्रोशिया बुनना है। डबल क्रोशिया इस तरह से 2 से फंदा निकालेंगे, फिर 2 से निकालेंगे। ये जो हमने 3 की चैन बुनी इसे भी जोड़ लेंगे, 1, 2, 2 डबल क्रोशिया इसी छेद में बुनना है। 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, इसी तरह से इस छेद में टोटल 12 डबल क्रोशिया बुन लेते हैं, फिर बहन आपको दिखाते हैं। इस छेद में टोटल हमने 12 डबल क्रोशिया बुन ली है। इसे यहां से जोड़ना है, 1, 2, 3। जो हमने पहले 3 की चैन बुनी थी, नीचे से थर्ड वाली चैन होगी, ऊपर से फर्स्ट वाली चैन होगी। इसी चैन से हाफ सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ देना है। जोड़ने के बाद 1, 2, 3। 3 ये हमारी 1 डबल क्रोशिया के लिए हो गए, 2 इस तरह से बीच में हो जाएगी। फंदा लेकर के सेकेंड चैन 1 डबल क्रोशिया, 2 से फंदा निकालेंगे, फिर 2 से 2 चैन, फंदा लेकर के थर्ड चैन 1 डबल क्रोशिया, 2 से फंदा निकालेंगे, फिर 2 से निकालेंगे 2 चैन, फिर से 4 चैन 1 डबल क्रोशिया। इसी तरह से टोटल ये 12 चैन है, हर चैन में ये 1 डबल क्रोशिया 2 चैन। राउंड कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। ये राउंड कंप्लीट करके लास्ट में 2 की चैन बुन करके 1, 2, 3, 2 बीच में हो जाएगी। थर्ड वाली चैन जो है इसी चैन से हाफ सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ देना है। जोड़ने के बाद 1 चैन बुनेंगे। फंदा लेकर के ध्यान से देखिए बहन, ये जो 3 की चैन है हमारी 1 डबल क्रोशिया, इसी में इस तरह से डाल करके 2 से फंदा निकालेंगे, फिर 2 से निकालेंगे। इस तरह से डबल क्रोशिया बुनना है। 1 हो गई, फंदा लेकर के फिर से इसी में डाल करके 2 से फंदा निकालेंगे, फिर 2 से इस तरह से डबल क्रोशिया 2 चैन 1, 2 2 चैन, फंदा लेकर के सेकेंड ये डबल क्रोशिया जो है इसमें डाल करके डबल क्रोशिया बुनेंगे, 2 से फंदा निकालेंगे, फिर 2 से 1, फिर से इसी में डाल करके बुनेंगे, 2 से फंदा निकालेंगे, फिर 2 से 2 डबल क्रोशिया 2 चैन, फंदा लेकर के थर्ड वाले डबल क्रोशिया इसमें बुनेंगे। तो इसी तरह से राउंड कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। ये राउंड कंप्लीट करके लास्ट में 2 की चैन बुन करके जो हमारी फर्स्ट डबल क्रोशिया है उसी के फर्स्ट वाली चैन से यहां से जोड़ देना है। जोड़ने के बाद 1 चैन बुन करके फंदा लेना है, फिर से फर्स्ट डबल क्रोशिया है इसी में डाल करके हम इसी तरह से बुनेंगे, ये 1 डबल क्रोशिया। फंदा लेकर के ये जो सेकेंड डबल क्रोशिया है इसमें बुनेंगे 1 डबल क्रोशिया 3 चैन 1, इसमें 2 चैन बुनी थी, इसमें 1 चैन बढ़ाएंगे, 1, 2, 3 चैन इसी तरह से बुनना है, 1 डबल क्रोशिया सेकेंड इसमें 1 डबल क्रोशिया 3 चैन 1, 2, 3 चैन। इसी तरह से राउंड कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। ये राउंड कंप्लीट करके लास्ट में 3 की चैन बुन करके जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है इस तरह की इसी चैन से फिर से देखिए इसी चैन से जोड़ना है हाफ सिंगल क्रोशिया के साथ
वन चैन बुन करके फर्स्ट डबल क्रोशिया है फंदा लेकर के इसी में हम बुनेंगे इस तरह से टू डबल क्रोशिया, वन फिर से इसी में बुनेंगे टू, टू डबल क्रोशिया इसमें हो गई, फंदा लेकर के जो सेकेंड डबल क्रोशिया है इसमें बुनेंगे हम टू डबल क्रोशिया, इस तरह से टू से फंदा निकालेंगे फिर टू से वन टू थ्री चैन, वन टू थ्री चैन, फिर से इसमें टू डबल क्रोशिया, वन फिर से इसी में बुनेंगे टू, ये जो सेकेंड डबल क्रोशिया इसमें बुनेंगे हम टू डबल क्रोशिया, वन टू थ्री चैन, वन टू थ्री चैन, इसी तरह से राउंड कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। ये राउंड कंप्लीट करके लास्ट में थ्री की चैन बुन करके फर्स्ट डबल क्रोशिया की जो ये चैन है इसी चैन से हाफ सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ देना है, वन चैन, ये टोटली फोर डबल क्रोशिया है, फर्स्ट डबल क्रोशिया इसी में हम वन डबल क्रोशिया बुनेंगे, सेकेंड जो हमारे डबल क्रोशिया है इसमें वन डबल क्रोशिया, इस तरह से टू से फंदा निकालेंगे फिर टू से फंदा लेकर के इसमें टू थी और टू इसमें थी, थर्ड वाली डबल क्रोशिया इसमें बुनेंगे हम ये वन डबल क्रोशिया, फोर डबल क्रोशिया इसमें वन डबल क्रोशिया, फोर ये थी इसमें भी फोर हो गई, वन टू थ्री, थ्री चैन बुन करके फिर से इसी तरह से बुनना है, फर्स्ट डबल क्रोशिया में वन डबल क्रोशिया, सेकेंड वाली डबल क्रोशिया इसमें भी वन डबल क्रोशिया और टू इसमें है तो थर्ड में वन डबल क्रोशिया और फोर में वन डबल क्रोशिया, जैसे हमने आपको बुनना बताया इसी तरह से, इस तरह से डबल क्रोशिया बुनना है डाल करके, राउंड कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। ये राउंड कंप्लीट करके लास्ट में थ्री की चैन बुन करके फर्स्ट चैन से हाफ सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ देना है, वन चैन बुनेंगे फंदा लेकर के फर्स्ट डबल क्रोशिया, देखिए ध्यान से देखिए बहन, फंदा लेकर के डबल क्रोशिया बुनना है लेकिन इस तरह से इसमें डाल करके फिर जैसे बुनते हैं टू से फंदा निकालेंगे फिर टू से निकालेंगे, वन सेकेंड ये जो डबल क्रोशिया है इसमें बुनेंगे हम वन डबल क्रोशिया, ये जो थर्ड डबल क्रोशिया है इसमें बुनेंगे हम वन डबल क्रोशिया, फोर डबल क्रोशिया इसमें बुनेंगे वन डबल क्रोशिया, फोर डबल क्रोशिया हो गई, जैसे ये बुना है इसी तरह से इसमें बुनी थी हमने थ्री चैन, सिर्फ एक चैन बढ़ानी है, वन टू थ्री फोर, फोर चैन बुन करके फिर इसी तरह से जैसे इसमें बुना, राउंड कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। ये राउंड कंप्लीट करके लास्ट में फोर की चैन बुन करके फर्स्ट डबल क्रोशिया की चैन से जोड़ देना है, जोड़ने के बाद वन चैन बुन करके देखिए इस तरह से वन चैन बुन करके इसमें डाल करके पहले हम इस तरह से टू से फंदा निकालेंगे, टू छोड़ देना है, फंदा लेना है सेकेंड जो डबल क्रोशिया है इसमें डाल करके टू से फंदा निकालेंगे, फिर हमारे पास थ्री फंदे हैं एक साथ थ्री से निकालना है, फिर से फंदा लेकर के इधर ये टू डबल क्रोशिया है इसमें भी इसी तरह से टू से फंदा निकालेंगे, टू छूट जाएंगे, फंदा लेना है टू से फंदा निकालेंगे एक साथ थ्री से निकालेंगे, सेवन चैन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन चैन बुन करके फिर इसमें इसी तरह से बुनना है फर्स्ट डबल क्रोशिया में कि डाल करके टू से फंदा निकालेंगे, टू छोड़ देना है,
सेकेंड जो डबल क्रोशिया है इसमें डाल करके टू से फंदा निकालेंगे, फिर एक साथ थ्री से फंदा निकालेंगे। इधर टू डबल क्रोशिया है तो फर्स्ट या कहें थर्ड वाली डबल क्रोशिया टू से फंदा निकालना है, टू छोड़ देना है। फोर जो डबल क्रोशिया है इसमें डाल करके फिर टू से फंदा निकालेंगे, एक साथ थ्री से निकालेंगे, फिर सेवन चैन बुनकर इसी तरह से राउंड कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। ये राउंड कंप्लीट करके लास्ट में सेवन चैन बुन करके यहां से जोड़ देना है। फर्स्ट डबल क्रोशिया की चैन से जोड़ने के बाद ये इस तरह से वन चैन बुन करके जैसे हमने आपको बताया था फंदा लेकर के उसमें डालेंगे एक साथ, ये जो टू है एक साथ डालना है। टू से फंदा निकालेंगे, टू ये छूट जाएंगे, फंदा लेना है फिर इसमें डालेंगे एक साथ, टू से निकालेंगे फंदा, फिर थ्री फंदे होंगे फिर एक साथ सभी से फंदा निकालना है। वन नाइन चैन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, नाइन चैन बुन करके फिर से समझाते हैं आपको। इसमें डाल करके टू से फंदा निकालेंगे, टू छूट जाएंगे, फंदा लेना है फिर इसमें डाल करके फंदा निकालेंगे टू से, फिर एक साथ थ्री से फंदा निकालेंगे, फिर बुनेंगे नाइन चैन। इस तरह से राउंड कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। ये राउंड कंप्लीट करके लास्ट में नाइन चैन बुन करके यहां से इस चैन से हाफ सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ देना है। जोड़ने के बाद वन चैन बुनना है, फंदा लेकर के एक साथ इस तरह से, फिर से देखिए इसमें डाल करके एक साथ फंदा निकालना है। जैसे वन डबल क्रोशिया टू से फंदा निकालना, फिर टू से वन डबल क्रोशिया होगा इस तरह से, वन इलेवन चैन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, इलेवन चैन बुन करके फिर से आपको समझाते हैं। इसमें डाल करके इस तरह से वन डबल क्रोशिया बुनना है, टू से फंदा निकालना है फिर टू से निकालना है, फिर से इलेवन चैन। राउंड कंप्लीट करके फिर दिखाते हैं। ये राउंड कंप्लीट करके लास्ट में इलेवन चैन बुन करके फर्स्ट वाली चैन से जोड़ना है हाफ सिंगल क्रोशिया के साथ। वन चैन फंदा लेंगे, ये जो वन डबल क्रोशिया इसके ऊपर फिर से बुनेंगे हम वन डबल क्रोशिया, टू से फंदा निकालेंगे फिर टू से निकालेंगे। ये जो इलेवन की चैन है इसमें बुनना है इलेवन डबल क्रोशिया, वन इसे छोड़ करके टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, इलेवन डबल क्रोशिया बुनने के बाद फिर से इस पे इस तरह से जैसे इसमें बुना है वन डबल क्रोशिया से नहीं जोड़ना है, फिर से जो इलेवन की चैन है इसमें बुनेंगे हम इलेवन डबल क्रोशिया बुनना है, फिर से इस पे वन डबल क्रोशिया, इसमें इलेवन डबल क्रोशिया। इसी तरह से राउंड कंप्लीट करके फिर दिखाते हैं। ये राउंड कंप्लीट करके इस चैन में इलेवन डबल क्रोशिया बुन करके ये जो हमने पहले वन डबल क्रोशिया बुनी थी उसी के फर्स्ट वाली चैन से हाफ सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद वन चैन फंदा लेना है, ये जो वन डबल क्रोशिया इसके ऊपर फिर से वन डबल क्रोशिया, टू से फंदा निकालेंगे फिर टू से निकालेंगे। अब बहन ध्यान से देखिए पीछे से इस तरह से यहाँ से चैन में इलेवन डबल क्रोशिया है तो फर्स्ट डबल क्रोशिया फिर से देखिए इस तरह से डालना है और पीछे को वन डबल क्रोशिया बुनना है, फंदा लेकर के फिर से डालेंगे आगे से इस तरह से, सेकेंड ये डबल क्रोशिया है इसमें डाल करके पीछे को फंदा निकाल करके वन डबल क्रोशिया बुनेंगे।
थर्ड डबल क्रोशिया डाल करके इसी तरह से वन डबल क्रोशिया डालना आगे से है, इस तरह से वन डबल क्रोशिया इसी तरह से ये 11 डबल क्रोशिया है टोटल ये चैन में। बुन लेते हैं यहां तक, फिर आपको दिखाते हैं। वन डबल क्रोशिया के ऊपर वन डबल क्रोशिया, पीछे से ये 11 डबल क्रोशिया हो गई, फिर आगे से जो वन डबल क्रोशिया के ऊपर वन डबल क्रोशिया, टू से अंदर निकालेंगे फिर टू से निकालेंगे, फिर से ये पीछे से वन डबल क्रोशिया के ऊपर वन डबल क्रोशिया, फिर से इस चैन में 11 डबल क्रोशिया हमने बुनी थी फंदा लेकर के, ये हमारी फर्स्ट डबल क्रोशिया है इस तरह से पीछे की तरफ वन डबल क्रोशिया, फिर से जैसे इसमें बुना है इसी तरह से राउंड कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। ये राउंड कंप्लीट करके ये जो हमने पहले बुनी थी वन डबल क्रोशिया, उसी के फर्स्ट वाली चैन से जोड़ना है, जोड़ने के बाद वन चैन फंदा लेना है, वन डबल क्रोशिया के ऊपर बुनना है वन डबल क्रोशिया, टू से फंदा निकालना है, फिर टू से टू चैन वन टू। पहले बुनी थी हमने 11 डबल क्रोशिया पीछे से, अब आगे से बुनना है फर्स्ट डबल क्रोशिया में डाल करके, पहले टू से फंदा निकालना है, टू छोड़ देंगे, फंदा लेना है सेकेंड डबल क्रोशिया इसमें डालेंगे, निकालेंगे फंदा टू से, फिर एक साथ थ्री से इस तरह से घटाएंगे। अब बीच में हमें 7 डबल क्रोशिया बुनना है, यहां से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। और फिर से जैसे इधर देखिए, यहां से टू डबल क्रोशिया है हमारे बच्चे हैं, यहां से फंदा निकालेंगे, टू छोड़ देंगे में डाल करके, टू से फंदा निकालेंगे, फिर एक साथ थ्री से फंदा निकालेंगे। इधर हमने टू चैन बुनी थी वन टू, टू चैन बुन करके वन डबल क्रोशिया के ऊपर बुनेंगे हम वन डबल क्रोशिया, टू से फंदा निकालेंगे, फिर टू से फिर टू चैन बुन करके वन टू, टू चैन बुन करके फिर यहां से इसी तरह से फर्स्ट में डाल करके टू से फंदा निकालेंगे, टू छोड़ देंगे, सेकंड में डाल करके टू से फंदा निकालेंगे, फिर एक साथ थ्री से निकालेंगे, बीच में 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, फिर इधर जैसे टू, तो इसी तरह से राउंड कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। ये राउंड कंप्लीट करके लास्ट में टू की चैन बुन करके, ये जो हमने पहले बुनी थी वन डबल क्रोशिया, उसी के फर्स्ट वाली चैन से जोड़ देना है, जोड़ने के बाद वन चैन फंदा लेना है, वन डबल क्रोशिया के ऊपर बुनना है वन डबल क्रोशिया, टू से फंदा निकालेंगे, फिर टू से टू चैन वन टू, टू चैन ये देखिए, ये जो टू का दिख रहा है इसमें डाल करके ये हमारी वन टू से निकालेंगे फंदा, टू छोड़ देंगे, सेकेंड इसमें डाल करके टू से फंदा निकालेंगे, फिर एक साथ थ्री से निकालेंगे, बीच में फाइव डबल क्रोशिया हो जाएंगे, यहां से वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव डबल क्रोशिया बुनने के बाद ये देखिए, इधर भी इसी तरह से इसमें डाल करके टू से फंदा निकालेंगे, टू छोड़ देंगे, फंदा लेना है, ये टू का इस तरह का दिख रहा है इसमें डाल करके एक साथ टू से, फिर एक साथ थ्री से निकालेंगे फंदा, फिर टू चैन वन टू चैन, टू चैन बुन करके वन डबल क्रोशिया के ऊपर बुनेंगे हम वन डबल क्रोशिया, टू चैन वन टू चैन बुन करके, फिर इसी तरह से इसमें डाल करके राउंड कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। ये राउंड कंप्लीट करके लास्ट में टू की चैन बुन करके, ये जो हमने पहले बुनी थी वन डबल क्रोशिया, उसी के फर्स्ट वाली चैन से जोड़ देना है, जोड़ने के बाद वन चैन फंदा लेना है, वन डबल क्रोशिया के ऊपर बुनेंगे हम वन डबल क्रोशिया, टू से फंदा निकालेंगे, फिर टू से वन टू थ्री चैन
थ्री चैन बुन करके फंदा लेना, फिर से इसी चैन बुनेंगे हम वन डबल क्रोशिया, टू से फंदा निकालेंगे, फिर टू से टू चैन वन टू, इस तरह से वी बन जाएगी। टू चैन बुन करके ये देखिए जो टू का इस तरह से दिख रहा है इसमें डाल करके टू से फंदा निकालेंगे, टू छोड़ देंगे, सेकेंड इसमें डाल करके टू से, फिर एक साथ थ्री से थ्री डबल क्रोशिया, बीच में थ्री डबल क्रोशिया हो जाएंगी, वन टू थ्री, फिर से जैसे उधर बुना है टू से फंदा निकालेंगे, टू छोड़ देंगे, फंदा लेना है, फिर इसमें डाल करके टू से फंदा निकालेंगे, फिर एक साथ थ्री से फंदा निकालेंगे, टू चैन वन टू टू चैन, इसमें हमें वी बनानी है। ये वन डबल क्रोशिया के ऊपर पहले वन डबल क्रोशिया, थ्री चैन वन टू थ्री चैन, फंदा लेकर के फिर से सी डबल क्रोशिया बुनेंगे, वन डबल क्रोशिया वन टू टू चैन बुन करके, फिर जैसे इसमें बुना इसी तरह से राउंड कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। ये राउंड कंप्लीट करके लास्ट में टू की चैन बुन करके ये जो हमने पहले बुनी थी वन डबल क्रोशिया उसी के फर्स्ट वाली चैन से जोड़ देना है। जोड़ने के बाद वन चैन फंदा लेना है, वन डबल क्रोशिया के ऊपर बुनना है वन डबल क्रोशिया, टू से फंदा निकालेंगे, फिर टू से निकालेंगे, टू चैन वन टू, ये जो थ्री की चैन बुनी थी इसमें बुनेंगे हम वन डबल क्रोशिया, टू चैन, फिर से वन डबल क्रोशिया के ऊपर बुनना है वन डबल क्रोशिया, टू चैन वन टू, फंदा लेकर के इसमें डाल करके टू से फंदा निकालेंगे, टू छोड़ देंगे, फंदा लेना है, सेकेंड डबल क्रोशिया इसमें डालेंगे, टू से फंदा निकाल करके एक साथ थ्री से फंदा निकालेंगे, बीच में वन डबल क्रोशिया हो जाएगी, टू से फंदा निकालना है, फिर टू से जैसे इधर बुना है इसी तरह से इधर बुनना है। देखिए टू से फंदा निकालेंगे, टू छोड़ देंगे, फंदा लेकर के फिर इसमें डाल करके टू से फंदा निकालेंगे, एक साथ थ्री से फंदा निकालेंगे, फिर वन टू टू चैन, फिर से वन डबल क्रोशिया के ऊपर बुनना है वन डबल क्रोशिया, टू चैन, ये जो थ्री की चैन थी इसमें बुनेंगे हम वन डबल क्रोशिया, वन टू चैन, वन डबल क्रोशिया के ऊपर वन डबल क्रोशिया, टू चैन, फिर से यहां से इसी तरह से राउंड कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। ये राउंड कंप्लीट करके लास्ट में टू की चैन बुन करके ये जो हमने पहले बुनी थी वन डबल क्रोशिया उसी के फर्स्ट वाली चैन से हाफ सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। जोड़ने के बाद वन चैन फंदा लेना है, वन डबल क्रोशिया के ऊपर बुनेंगे हम वन डबल क्रोशिया, टू से फंदा निकालेंगे, फिर टू से वन टू टू चैन, वन डबल क्रोशिया के ऊपर वन डबल क्रोशिया, इसमें हमें वी बनानी है, वन डबल क्रोशिया हो गए, थ्री चैन वन टू थ्री चैन, फिर से इसी डबल क्रोशिया में बुनेंगे हम वन डबल क्रोशिया इस तरह से वी, टू चैन इधर टू चैन है, वन टू टू चैन बुन करके वन डबल क्रोशिया के ऊपर वन डबल क्रोशिया, वन टू टू चैन, फंदा लेना है, ध्यान से देखिए टू से फंदा निकालेंगे, फिर टू से वन डबल क्रोशिया, सेकेंड डबल क्रोशिया फिर बुनेंगे वन डबल क्रोशिया, थर्ड डबल क्रोशिया इसमें बुनेंगे हम वन डबल क्रोशिया, थ्री डबल क्रोशिया हो गए, टू चैन बुन करके फिर से यहां से इसी तरह से वन डबल क्रोशिया, इस तरह से वन डबल क्रोशिया, फिर टू चैन, फिर इसमें वन डबल क्रोशिया, थ्री चैन, फिर इसी में वन डबल क्रोशिया, टू चैन, वन डबल क्रोशिया के ऊपर वन डबल क्रोशिया। राउंड कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। ये राउंड कंप्लीट करके लास्ट में टू की चैन बुन करके जो हमने पहले बुनी थी वन डबल क्रोशिया उसी के फर्स्ट वाली चैन से हाफ सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ देना है। जोड़ने के बाद वन चैन फंदा लेना है, वन डबल क्रोशिया के ऊपर वन डबल क्रोशिया बुनेंगे, टू से फंदा निकालेंगे, फिर टू से टू चैन वन टू टू चैन, वन डबल क्रोशिया के ऊपर वन डबल क्रोशिया, टू चैन, ये जो थ्री की चैन बुनी इसमें बुनेंगे हम वन डबल क्रोशिया, वन टू टू चैन, फिर से वन डबल क्रोशिया के ऊपर वन डबल क्रोशिया, टू चैन,
वन डबल क्रोशिया के ऊपर वन डबल क्रोशिया, टू चैन, यहां पे देखिए टू से फंदा निकालेंगे टू छोड़ देंगे, सेकेंड डबल क्रोशिया इसमें डालेंगे, टू से फंदा निकालेंगे थ्री फंदे छूट जाएंगे, फंदा लेना है, थर्ड डबल क्रोशिया इसमें डाल करके टू से फंदा निकालेंगे, फिर एक साथ फोर से फंदा निकालेंगे, वन टू, टू चैन, टू चैन बुन करके फंदा लेना है, फिर इसमें इसी तरह से वन डबल क्रोशिया के ऊपर वन डबल क्रोशिया, टू चैन, फिर वन डबल क्रोशिया के ऊपर वन डबल क्रोशिया, टू चैन, थ्री चैन, इसमें वन डबल क्रोशिया, फिर टू चैन, वन डबल क्रोशिया के ऊपर वन डबल क्रोशिया, टू चैन, वन डबल क्रोशिया के ऊपर वन डबल क्रोशिया, टू चैन, इसी तरह से राउंड कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। ये राउंड कंप्लीट करके लास्ट में टू की चैन बुन करके जो हमने पहले बुनी थी वन डबल क्रोशिया उसी के फर्स्ट वाली चैन से जोड़ देना है, जोड़ने के बाद वन चैन फंदा लेना है, वन डबल क्रोशिया के ऊपर बुनेंगे हम वन डबल क्रोशिया, टू से फंदा निकालेंगे फिर टू से निकालेंगे, टू चैन, वन टू, टू चैन, वन डबल क्रोशिया के ऊपर वन डबल क्रोशिया, वन वन डबल क्रोशिया, फिर से इसी डबल क्रोशिया में वन डबल क्रोशिया, इसमें हो गई टू डबल क्रोशिया, टू डबल क्रोशिया, टू चैन, फिर से वन डबल क्रोशिया के ऊपर वन डबल क्रोशिया, टू चैन, टू चैन, इसमें बुनेंगे हम टू डबल क्रोशिया, वन, फिर से इसी में बुनना है टू, टू चैन, वन टू, टू चैन, फिर से वन डबल क्रोशिया के ऊपर वन डबल क्रोशिया, टू से फंदा निकालेंगे फिर टू से, टू चैन, वन टू, टू चैन बुन करके वन डबल क्रोशिया बुनेंगे, इसमें वन डबल क्रोशिया, टू चैन, फिर से यहां से इस तरह से राउंड कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। ये राउंड कंप्लीट करके लास्ट में टू की चैन बुन करके जो हमने पहले बुनी थी वन डबल क्रोशिया उसी के फर्स्ट वाली चैन से जोड़ देना है, जोड़ने के बाद वन चैन फंदा लेना है, वन डबल क्रोशिया के ऊपर वन डबल क्रोशिया, टू से फंदा निकालेंगे फिर टू से निकालेंगे, टू चैन, ये टू डबल क्रोशिया है, फर्स्ट में वन डबल क्रोशिया, सेकेंड में वन डबल क्रोशिया, टू चैन, वन डबल क्रोशिया के ऊपर वन डबल क्रोशिया, टू चैन, टू डबल क्रोशिया है, फर्स्ट में वन डबल क्रोशिया, सेकेंड में वन डबल क्रोशिया, टू चैन, फिर से वन डबल क्रोशिया के ऊपर वन डबल क्रोशिया, वन टू, टू चैन, फिर से यहां से वन डबल क्रोशिया के ऊपर वन डबल क्रोशिया, टू चैन, फिर यहां से इसी तरह से राउंड कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। ये राउंड कंप्लीट करके लास्ट में टू की चैन बुन करके जो हमने पहले बुनी थी वन डबल क्रोशिया उसी के चैन से जोड़ देना है, जोड़ने के बाद वन चैन फंदा लेना है, इसे वन डबल क्रोशिया के ऊपर वन डबल क्रोशिया, टू चैन, वन टू, टू चैन, फर्स्ट वन डबल क्रोशिया, सेकेंड वन डबल क्रोशिया, टू चैन, फर्स्ट वन डबल क्रोशिया के ऊपर वन डबल क्रोशिया, जैसे हमने बुनी थी पहले राउंड सेम उसी तरह से है, टू चैन, फिर से फर्स्ट वन डबल क्रोशिया, सेकेंड वन डबल क्रोशिया, टू चैन, फिर से वन डबल क्रोशिया के ऊपर वन डबल क्रोशिया, फिर वन टू, टू चैन, यहां पे देखिए ध्यान से बहन, इसमें बुनना है हमें थ्री डबल क्रोशिया, वन टू थ्री, थ्री डबल क्रोशिया हो गए, टू चैन, टू चैन बुन करके यहां से फिर से वन डबल क्रोशिया के ऊपर वन डबल क्रोशिया, जैसे ये बुना है, राउंड कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। ये राउंड कंप्लीट करके लास्ट में टू की चैन बुन करके फर्स्ट चैन से जोड़ देंगे हाफ सिंगल क्रोशिया के साथ, वन चैन फंदा लेना है, वन डबल क्रोशिया के ऊपर बुनेंगे हम वन डबल क्रोशिया, टू से फंदा निकालेंगे फिर टू से, वन टू, टू चैन, वन डबल क्रोशिया, फर्स्ट में सेकेंड में वन डबल क्रोशिया,
टू चैन, वन डबल क्रोशिया के ऊपर वन डबल क्रोशिया, वन टू टू चैन, वन डबल क्रोशिया फर्स्ट, सेकेंड में वन डबल क्रोशिया, वन टू टू चैन, वन डबल क्रोशिया के ऊपर वन डबल क्रोशिया, वन टू टू चैन। यहां से देखिए बहन ध्यान से, फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर वन, ये वन डबल क्रोशिया हो गए, फंदा लेना है। फिर से सेकेंड, ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर बुनेंगे हम, वन डबल क्रोशिया, वन टू चैन, फंदा लेकर के फिर से इसी डबल क्रोशिया के ऊपर बुनेंगे, वन डबल क्रोशिया, ये जो थर्ड वाली ये डबल क्रोशिया है इसके ऊपर बुनेंगे हम वन डबल क्रोशिया। ये देखिए वन टू टू चैन बुन करके फिर से यहां से उसी तरह से वन डबल क्रोशिया के ऊपर वन डबल क्रोशिया, जैसे इसमें बुना है इसी तरह से राउंड कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। ये राउंड कंप्लीट करके लास्ट में टू की चैन बुन करके फर्स्ट चैन से जोड़ देंगे हाफ सिंगल क्रोशिया के साथ, वन चैन, फंदा लेना है, वन डबल क्रोशिया के ऊपर बुनेंगे वन डबल क्रोशिया, टू से फंदा निकालेंगे, फिर टू से वन टू टू चैन एक साथ डालना है, वन डबल क्रोशिया बुनेंगे, फंदा लेना है, फिर वन डबल क्रोशिया के ऊपर वन डबल क्रोशिया, फिर से एक साथ डाल करके वन डबल क्रोशिया के ऊपर वन डबल क्रोशिया, वन टू, इधर टू की चैन है इधर भी टू की चैन बुन करके वन डबल क्रोशिया के ऊपर वन डबल क्रोशिया, टू चैन, टू चैन बुन करके फर्स्ट वन डबल क्रोशिया के ऊपर वन डबल क्रोशिया, वन डबल क्रोशिया, वन टू टू चैन, फिर से ये जो चैन बुनी थी टू की इसमें बुनेंगे हम टू डबल क्रोशिया, वन टू टू डबल क्रोशिया, टू चैन, टू चैन, फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर वन ये डबल क्रोशिया, सेकेंड डबल क्रोशिया के ऊपर ये वन डबल क्रोशिया, फिर से टू चैन। इसी तरह से राउंड कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। ये राउंड कंप्लीट करके लास्ट में टू की चैन बुन करके फर्स्ट चैन से जोड़ना है हाफ सिंगल क्रोशिया के साथ, वन चैन, फंदा लेकर के वन डबल क्रोशिया के ऊपर बुनेंगे वन डबल क्रोशिया, टू से फंदा निकालेंगे, फिर टू से वन टू टू चैन, फर्स्ट डबल क्रोशिया में डाल करके टू से फंदा निकालेंगे, टू छूट जाएंगे, फंदा लेना है, सेकेंड डबल क्रोशिया, टू से फंदा निकालना है, थ्री फंदे छूट जाएंगे, फंदा लेना है, थर्ड डबल क्रोशिया इसमें डाल करके टू से फंदा निकालेंगे, फिर एक साथ फोर से फंदा निकालेंगे, वन टू टू चैन, वन डबल क्रोशिया के ऊपर बुनेंगे वन डबल क्रोशिया, वन टू टू चैन, फर्स्ट में वन डबल क्रोशिया, सेकेंड डबल क्रोशिया के ऊपर वन डबल क्रोशिया, वन टू टू चैन, इसमें देखिए फर्स्ट इसमें बुनेंगे थ्री डबल क्रोशिया, वन, फिर से इसी में डाल करके टू, फिर से इसी में डाल करके बुनेंगे थ्री डबल क्रोशिया, जो सेकेंड डबल क्रोशिया इसमें बुनेंगे हम थ्री डबल क्रोशिया, वन टू थ्री, इधर टू की चैन है इधर भी टू की चैन, फर्स्ट में वन डबल क्रोशिया, सेकेंड में वन डबल क्रोशिया, वन टू टू की चैन, फिर से यहां से इसी तरह से फर्स्ट वन इसी पे वन डबल क्रोशिया, यहां से इसी तरह से राउंड कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। ये राउंड कंप्लीट करके लास्ट में टू की चैन बुन करके फर्स्ट चैन से जोड़ देना है हाफ सिंगल क्रोशिया के साथ, वन चैन, फंदा लेकर के वन डबल क्रोशिया के ऊपर बुनेंगे वन डबल क्रोशिया, टू से फंदा निकालेंगे, फिर टू से वन टू टू चैन, सेकेंड डबल क्रोशिया इसके ऊपर वन डबल क्रोशिया, थर्ड डबल क्रोशिया इसके ऊपर बुनेंगे वन डबल क्रोशिया, टू चैन,
फर्स्ट डबल क्रोशिया, इसके ऊपर वन डबल क्रोशिया, सेकेंड डबल क्रोशिया, इसके ऊपर बुनेंगे वन डबल क्रोशिया, टू चैन, फिर यहां से ये सिक्स डबल क्रोशिया हैं। फर्स्ट में वन डबल क्रोशिया वन चैन, सेकेंड में बुनेंगे वन डबल क्रोशिया, बीच में वन चैन, थर्ड में वन डबल क्रोशिया वन चैन, फोर में वन डबल क्रोशिया वन चैन, फाइव वन डबल क्रोशिया वन चैन, सिक्स इसमें बुनेंगे वन डबल क्रोशिया वन चैन, वन इधर टू की चैन है, टू की चैन बुन करके यहां से फर्स्ट में वन डबल क्रोशिया, सेकेंड में वन डबल क्रोशिया, टू की चैन बुन करके फिर यहां से इसी तरह से फर्स्ट में वन डबल क्रोशिया टू चैन, सेकेंड में एक साथ वन डबल क्रोशिया टू चैन, थर्ड में वन डबल क्रोशिया टू चैन, यहां से इसी तरह से राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। ये राउंड कंप्लीट करके लास्ट में टू की चैन बुन करके ये जो हमने पहले बुनी थी वन डबल क्रोशिया उसी के फर्स्ट वाली चैन से हाफ सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ देना है। जोड़ने के बाद वन चैन, फंदा नहीं लेना है, ध्यान से देखिए इस तरह से डालेंगे, फंदा निकालेंगे वन टू, टू चैन बुन करके इसमें जैसे बुनते उसी तरह से फर्स्ट डबल क्रोशिया, इसके ऊपर वन डबल क्रोशिया, सेकेंड इसके ऊपर बुनेंगे वन डबल क्रोशिया, टू चैन बुन करके इसमें डाल करके ये जो वन की चैन है हाफ सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ेंगे, वन टू थ्री चैन बुन करके इसमें डाल करके हाफ सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ देंगे, वन टू थ्री चैन हाफ सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ देंगे, वन टू थ्री चैन हाफ सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ देंगे, वन टू थ्री हाफ सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ देंगे। ये देखिए वन टू थ्री फोर हो गए, यहां से वन टू, टू चैन बुन करके फंदा लेना है इसमें जैसे बुनते इसी तरह से फर्स्ट में वन डबल क्रोशिया, सेकेंड वन डबल क्रोशिया। यहां पे फिर से हम आपको समझाते हैं, पहले टू चैन बुनिए, टू चैन बुन करके कि इस तरह से डालना है, फंदा निकालेंगे ये देखिए जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद इधर टू की चैन है वन टू, टू की चैन बुन करके फिर यहां से फर्स्ट में वन डबल क्रोशिया, सेकेंड में वन डबल क्रोशिया, राउंड कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए बहन थाल पोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।